इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर युवा राजद संगठन एक मजबूती एवं समीक्षात्मक बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भागलपुर में जिला युवा राजद जिला अध्यक्ष मोहम्मद रहमत उद्दीन के आवास पर पार्टी की समीक्षात्मक बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिले के सभी राजद अधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिला युवा अध्यक्ष ने 80 सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर संबोधित भी किया। सभी राजद अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें विस्तार से रखी। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित नाथनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी राबिया खातून ने बड़ी शालीनता के साथ सभी राजद के सदस्यों को सम्मानित करते हुए कहा कि पार्टी के सभी सदस्य एकजुट होकर भ्रष्टाचार की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंके एवं बिहार की जनता इस बार बिहार के विकास पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरह से मन बना ले। वहीं नाथनगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी राबिया खातून ने ये कहा कि मुख्य बातें पार्टी के आला अधिकारी जिस सदस्य को टिकट देकर मैदान में उतारती है, हम लोग उस उम्मीदवार का स्वागत करेंगे और उसे दिलोजान से जिताने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर राजद के अधिकारी अशोक कुमार आलोक ने भी इस बात का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के आला अधिकारी का जो फैसला होगा उसे सभी लोग मानेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री युवा तेजस्वी यादव को ही हमें बनाना है। इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के कई सम्मानित व्यक्ति मौजूद थे। सरकार मिल नहीं रहा, हमारे तेजस्वी यादव जी ने कल ये ऐलान किया है, कल ही तेजस्वी यादव जी ने एक पोर्टल बनाया है कि जिस भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है इस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराए। और उन्होंने कहा है कि राजद की सरकार अगर 2020 में आई तो जिनका बड़े ही प्यार से नाम हमारे तमाम भागलपुर के चाहे वो युवा पीढ़ी के लोग हो या हमारे बुजुर्ग तबके के लोग हो, हम लोगों के स्वर्गवास हो चुके श्री चुनचुन यादव जी जो हमारे पिता आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो, आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो। बस एकता और मिलत भाईचारा ही हमारा और हमारे पार्टी का पहचान है। लेकिन ये समाजवाद का नारा, ये सामाजिक न्याय का नारा हमारे पुरुष माननीय लालू यादव जी ने दिया था और उनको हमें अगर मजबूत करना है तो हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम झुकना सीखें, हम विनम्र होना सीखें, हम कंधे से कंधे मिलाकर चलना सीखें, हम सम्मान देना सीखें। याद करें कि तेजस्वी जी कहते हैं कि अगर हमें सुंदर समाज को बनाना है तो हमें सबरी के जूठे पैर भी खाने पड़ेंगे। आज हमारे युवा संकल्प का एक प्रोग्राम रखा गया था, युवा संगठन के जो हमारे नए नवनिर्वाचित युवा के जिला के अध्यक्ष बने हैं उनके माध्यम से आज जो है तमाम
युवा के पदाधिकारी को बुलाया गया था। आज हम लोगों ने जो है संकल्पित होकर ये आह्वान किया कि तमाम युवा शक्ति एकजुट हो जाएं और ये जो हमारे पलटू राम है कुर्सी कुमार जी, इनके जो भी कार्यकाल में जितना भी घपला घोटाला और जिस तरह का जो है तराइमाम जनता के बीच है, इन सारे चीज को हमारे युवा वर्ग के युवा पीढ़ी के जितने भी लोग आज सर्टिफिकेट ले रहे हैं, पदाधिकारी बन रहे हैं, ये तमाम पदाधिकारी हर गांव में, हर सूबे में, हर कस्बे में, हर वार्ड में, हर पंचायत में जाकर, और नीतीश जी जो पलटू राम है, बिहार की सरकार जिसने बिहार को विनाश करके रखा है, इनकी सारी जो है काले कारनामों को जाकर जनता तक पहुंचाएगी। शिक्षा चौपट स्थिति में है, स्वास्थ्य खत्म हो चुका है, और हमारे जो लोग, हमारे शिक्षक अपनी अच्छी मांग को रखने के लिए जाते हैं तो उन्हें हक के बदले उनको लाठी मिलती है। बिहार की जनता बदलाव लेने के लिए तैयार है। बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक पांव पे खड़ी है, और युवा वर्ग के लोग ये संकल्प ले चुके हैं कि जब तक 2020 में तेजस्वी जी को बिहार के सिंहासन पर नहीं बैठा लेंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। मेरा नाम राबिया खातून, मैं पूर्व प्रत्याशी नाथनगर विधानसभा और सह प्रदेश सचिव बिहार। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।